मकसवाहा के जनपद पंचायत सभागृह में रोजगार सहायक संघ संविदा कर्मी संघ द्वारा क्षेत्रीय विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी का फूल बरसाकर स्वागत और सम्मान किया गया और आभार व्यक्त किया। पिछले दिनों मुख्यमंत्री ने रोजगार सहायकों की वेतन वृद्धि करने की घोषणा की थी, साथ ही संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा की थी। इसी के उपलक्ष्य में रोजगार सहायक संघ और संविदा कर्मियों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए सरकार को धन्यवाद ज्ञापित किया। सम्मान समारोह में जनपद पंचायत श्रीमती रजनी यादव, उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह बुंदेला, अभय भट्टा, रोजगार सहायक संघ के ब्लॉक अध्यक्ष सुनील यादव, अनिकांत जैन, महेंद्र शुक्ला, राहुल उपाध्याय, सुरेंद्र सिंह ठाकुर, राजेंद्र राय सहित समस्त रोजगार संघ के सहायक शामिल हुए। सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छा निर्णय कर्मचारियों के हित में लिया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ कि हमारे नया पद सृजित हुआ है उसमें पंचायत सहायक सचिव संविदा कर्मियों के लिए जो जो सौगातें दी हैं, मैं समझता हूँ ये एक जीवन बदलने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं अपनी ओर से और संगठन की ओर से माननीय मुख्यमंत्री को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। किसी प्रकार के जनहितैषी निर्णय हमारी सरकार लेती है। लगातार संगठनों ने कई प्रकार के आंदोलन किए, परंतु जब मौका आया कि सरकार का कोई काम करना है तो अपने आंदोलन स्थगित करके सरकार के काम किए हैं। और कभी कभी तो मौका ही आया है GRS सभी लोग थे कि नाम किसी और का हो रहा है, नाम किसी और विभाग का हो रहा है और काम पूरा GRS करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में भले किसी का नाम हो जाए परंतु जनता का भला हो जाए, इस बात से उन्होंने अपने आंदोलन स्थगित करके वो काम करके दिखाए हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सब कामों को देखकर सभी कर्मचारियों के हित में जो निर्णय लिया है, तो आज सभी कर्मचारी हालांकि सम्मान के पात्र तो वही के वही काम वही करने वाले हैं, फील्ड में काम वही, सरकार की योजनाएं वही आगे तक ले जाने का काम करते हैं और आज वो सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मान कर रहे हैं। मैं जबकि इस लायक नहीं हूँ, परंतु मैं उनका सम्मान करता हूँ कि आगे आने वाले समय में भी सरकार की जितने भी कल्याणकारी जनकल्याणकारी योजनाएं हैं वो बहुत निजी स्तर तक ले जाने का काम कर रहे हैं। आंदोलन काफ़ी समय से रोजगार सहायक और संविदा कर्मी करते आ रहे हैं और जैसे ही चुनाव नज़दीक आए हैं और आपने उनको ये सौगात दी है, तो क्या इसको चुनावी दृष्टिकोण से देखा जा सकता है? नहीं, ये चुनावी दृष्टि, चुनाव तो अभी काफ़ी दूर है, अभी ऐसा तो लगातार अभी समय है, परंतु निर्णय समय समय पर लिए जाते हैं और लिए भी जाने चाहिए, कई प्रकार के विचार भी करने पड़ते हैं सरकारों को, खासतौर से जब वित्त की बात आती है कि हमारे पास पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, किस किस उसमें हम उनको पैसे दे सकते हैं, उस हिसाब से सरकार निर्णय। बक्सवाहा से मुकेश रावत की रिपोर्ट।